वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अदनान ऑफिशियल जी। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने मोबाइल में आप लाइव स्ट्रीमिंग 360 व्यूज पर कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से किसी भी जगह की आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां आप जाना चाहते हैं, वहां की ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करना चाहते हैं, मगर आप बहुत से कारणवश कभी तो आपके पास समय नहीं होता, कभी कुछ बैलेंस की प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। तो आज वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किस तरह अपने एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी जगह का, अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, अदरवाइज कंट्री से बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी आप जा करके लाइव स्ट्रीमिंग का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस जगह क्या है, कौन सी घूमने की अच्छी जगह है। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले लेटेस्ट टिक्स एंड ट्रिप्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। जस्ट बगल में बेल आइकॉन भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है गूगल स्ट्रीट व्यू। अब इसे टाइप करके यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही देखिए गूगल स्ट्रीट वेव का एप्लीकेशन दिख रहा है सामने। 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है इसे और 4.2 की रेटिंग है इस एप्लीकेशन की, आप देख सकते हैं। मैं स्लाइड करके भी आपको दिखा रहा हूँ, 4.2 की रेटिंग है। हेल्पफुल, इजी टू यूज़, गुड मैप ऐप, तो सब लोगों ने अच्छी रिव्यूज दी हुई है, इस पर रिव्यू दिया हुआ है, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। जी दोस्तों, मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करके मैं आगे का बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कैसे। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा, पूरा मैप है इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, वेनेजुएला, कनाडा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इंडिया का लोकेशन भी यहाँ दिखा रहा है, आप इसे जूम करके लाइए सामने। जैसे ही आप जूम करेंगे इतने सारे रेड पॉइंट आपको दिखेंगे, आपको समझ लीजिए इसमें सर्च करना है इंडिया में। हम सर्च करेंगे ताजमहल, तो आगरा का जो ताजमहल है हम उसे यहाँ सर्च कर रहे हैं उसका लाइव स्ट्रीमिंग 360 व्यूज पे देखने के लिए। यहाँ हम ताजमहल टाइप करेंगे, ये आगरा में है तो हम आगरा भी टाइप कर देंगे, यहाँ पर स्पेस देके आगरा टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जैसे आप सर्च करेंगे, देखिए ताजमहल धर्मपुरी फॉरेस्ट कॉलोनी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश, तुरंत आगरा के लोकेशन पे ये भेज देगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड करके ताज गार्डन, ताज म्यूजियम, यहाँ गेट दिखा रहा है, फतेहपुरी मास्क, फतेहपुरी की मस्जिद दिखा रहा है, ताजमहल ईस्टर्न गेट दिखा रहा है। तो जहाँ का भी आपको 360 व्यू देखना है आप उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ की लोकेशन जैसे क्लिक करेंगे फिर नीचे स्लाइड फोटोज आ जाएंगी, आप इन पिक्स को ऊपर की तरफ स्लाइड करके पिक 360 व्यू में देख सकते हैं। देख सकते हैं ताज म्यूज़ियम का, तो स्लाइड करके जैसे ऊपर जाएंगे तो उसमें देखिए 360 व्यूज़ की पिक जो है वो यहाँ पर है, आप किसी भी एक पिक को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप उसे चूज़ करेंगे ये ओपन होगा, अभी देखिए ओपन हो रहा है। देख सकते हैं आप ये ओपन हो चुका है, आप स्लाइड करके आप देख सकते हैं अगल बगल की सारी जगह, गार्डन, इसकी खूबसूरती, समझ लीजिए आप वहीं खड़े हैं, अपनी चारों तरफ की चीज़ें आप देख सकते हैं।
यही है 360 व्यू लाइव स्ट्रीमिंग। ये आप कहीं का भी देख सकते हैं और इसको जूम करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको देखना है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हम सारा कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड कर करके आप देख सकते हैं। इस तरह आप नीचे आइए, देखिए और भी दिए हुए हैं फोटोज, उस पर आप क्लिक करके उसका भी वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं आप। जैसे कि एक पिक थी, मैंने इस पर क्लिक की है, तो देखिए ये ताज म्यूजियम का है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, स्लाइड करके आप देखिए पूरा यहाँ पे गार्डन दिख रहा है, रास्ता भी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। दोस्तों ये आप ज़रूर से अपने मोबाइल में ताज संग्रहालय का देखिए, लिखा है यहाँ पे पश्चिमी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ताज संग्रहालय पश्चिमी नौबत खाना, प्रवेश निःशुल्क, 9 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप जूम करके देख सकते हैं, कहाँ पे क्या बोर्ड है, सब कुछ एंट्री फीस वगैरह सब यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह आप स्लाइड कर करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपको लगेगा आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक अच्छी चीज़ है ये। ताजमहल के बारे में आपने देखा, स्लाइड कर करके आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो अब हम कुछ दूसरा टाइप करके देख लेते हैं, जैसे जामा मस्जिद हो गया, दिल्ली जामा मस्जिद, तो इसे आप सर्च कर दीजिए। ये देखिए मीना बाज़ार जामा मस्जिद चांदनी चौक न्यू दिल्ली, सेकंड वाला जो है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। पहला वाला आगरा का जामा मस्जिद का दिखा रहा था, तो सेकंड वाले पे आप क्लिक करेंगे अगर आपको दिल्ली का देखना है तो। स्लाइड करके जब जाएंगे तो देखिए काफ़ी पिक है यहाँ पे 360 व्यूज में। स्लाइड करके आप पूरा दिल्ली जामा मस्जिद जहाँ नमाज होती है वहाँ का आप सारा देख सकते हैं, कितना बड़ा है, कितनी दूरी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए। ये एंट्री करने वाली जगह है, इधर से आप एंटर हो जाते हैं मस्जिद में। ये सामने आपको मीनार दिख रहा है मस्जिद का, गुंबद भी दिख रहा है। तो इस तरह आप कहीं का भी देख सकते हैं स्लाइड कर करके आप देखिए, जूम भी करके आप देख सकते हैं इसे। तो इस तरह आप यहाँ का तो देख सकते हैं, आप कहीं का भी देख सकते हैं, जहाँ का भी आपको देखना हो बस आप टाइप करिए, पहुँचिए और देखिए। और इस तरह आप कहीं अपने घर का या अपने आस पड़ोस का या फिर किसी ब्यूटीफुल प्लेस का आप इस तरह का 360 व्यूज में रिकॉर्ड करके डालना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा कमेंट होंगे तो बिल्कुल मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो बना करके कि आप अपने घर का या आस पड़ोस का आप कैसे बना करके इसे मैप में अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों। इस तरह आपने ताजमहल का देखा, फिर दिल्ली के जामा मस्जिद का देखा, तो समझ लीजिए हर जगह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपके मोबाइल में ही है, समझ लीजिए। अब हम यहाँ रेड फोर्ट जो कि लाल किला है, अब हम उसे भी देख लेते हैं लास्ट में। बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं पर टाइम की वजह से नहीं जा पाते, तो इस तरह आप देख सकते। अब ये देखिए इसका लोकेशन सीधे रेड फोर्ट की तरफ ले गया है। सर्च करना है आपको जिस तरह पहले दोनों सर्च किया आपने, उसके बाद मोती मस्जिद,
दीवाने आम दिल्ली चलो पार्क यहाँ दिख रहा है। स्लाइड करते जाइए, ये देखिए रिपोर्ट, आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ भी उसका 360 व्यूज में देखिए एक बेहतरीन नज़ारा आपको दिखेगा। आप स्लाइड करके सारा देखिए, यहाँ से देखिए एंटर होते हैं लोग, इस तरह आप सारा देख सकते हैं। लाल किले की एक ही पिक नहीं होगी, 360 व्यूज में काफ़ी सारी पिक्स हैं, कुछ अंदर की भी हैं कुछ बाहर की हैं, तो आप स्लाइड कर करके सारा 360 व्यूज में देखिए साइड में क्या है, रास्ता कैसा है, कौन सी जगह क्या है, और ये आप सारा देख सकते हैं। ये देखिए स्लाइड कर करके ये सब अंदर का ही है, कुछ बाहर का कुछ अंदर का। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने घर का या आसपास की किसी अच्छी जगह का 360 व्यूज में रिकॉर्ड करके अगर आप मैप में डालना चाहते हैं ताकि लोग इसे देखें, इस खूबसूरती को देख सकें, पहचान सकें उस जगह को, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल वो पाएंगे आप जल्दी। लोगों की अगर रिकमेंड रही तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट कर बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताइएगा आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।